बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं का हुजूम हुआ इकट्ठा। इस मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही शक्ति प्रदर्शन का भी हुआ आगाज। शहर के मानस भवन के समीप बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिवस पर आयोजित किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी श्री रामजी गौतम समेत कई नेता मौजूद रहे। दरअसल विधानसभा चुनाव में बसपा की हार और खराब प्रदर्शन से नाखुश पार्टी ने हार की वजह तलाशना शुरू कर दी है। साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वह प्रत्याशी की भी तलाश कर रही है। ऐसे में बसपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पार्टी की ताकत दिखाना प्रमुख वजह है। कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने पार्टी ने लोकसभा के लिए कमर कस ली है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर तीखा प्रहार किया और दलित गरीब विरोधी बताया। रामजी गौतम से रीवा दर्शन के संपादक जावेद अंसारी ने खास बातचीत की, जिसमें सपा और बसपा के गठबंधन में चर्चा हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी के राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम जी हमारे साथ हैं। आज आप रीवा में मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए थे। हम उनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे उत्तर। सबसे पहले रीवा आने पर रीवा दर्शन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अभी आपने सपा और बसपा का जो समझौता हुआ है, वो किस हिसाब से आपने समझौता किया, इसके क्या फायदे आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने समाजवादी पार्टी के साथ में समझौता किया है, जिसमें 38 सीट BSP और 38 सीट समाजवादी पार्टी को दी गई हैं और 2 सीटें जो रायबरेली है और जो उनकी मीठी सीट है वो छोड़ी गई है, ताकि वो कांग्रेस की लीन छोड़ दी गई है, और 2 सीटें और भी स्पेयर रखी गई हैं, तो कि दूसरे कोई दल हमारा पार्ट बनना चाहता है तो उसको स्वागत है। कांग्रेस को आप लोगों ने अपने से अलग रखा है, ये सोची समझी राजनीति है या कांग्रेस के साथ आप जाना ही नहीं चाहते थे? देखिए, जाना ना जाने की कोई इसमें सवाल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, और जो भी अगर कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो हमारे गठबंधन की तरफ नहीं आता कभी भी। माना जाए लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री पद का चयन होगा, उस समय आपकी पार्टी का क्या रुख होगा? देखिए, जो भी रुख होगा वो माननीय बहन जी को डिसाइड करेगी, और हम सभी लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय बहन जी के आदेश का पालन करते हैं। क्या लग रहा है आपको लोकसभा में आपकी कितनी सीटें हो जाएंगी? हमें तो लग रहा है कि हम करीब 50 के ऊपर प्लस जाएंगे सीटें उत्तर पूरे देश में, इससे कम लग रहा है माहौल BSP का जो है। माना जाए अगली सरकार आपके समझौते के आपके समर्थन के बगैर केंद्र में नहीं बनने वाली? वो तो आने वाला वक्त बताएगा, कोई दो राय नहीं है, जो भी होगा आपके सामने हो जाएगा। ये थे हमारे साथ रामजी गौतम जी, जिनका साफ तौर से कहना था अगले लोकसभा चुनाव में 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अगली सरकार में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।